नेशनल पेंशन सिस्टम को शुरू हुए इस महीने 15 साल पूरे हो गए हैं। पहले एनपीएस 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए शुरू हुआ था, 2009 में बाकी लोगों के लिए इसके दरवाजे खोल दिए गए। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को कई एसेट क्लास में अपने इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करने की सुविधा देता है। इस स्कीम का प्रदर्शन कैसा रहा है, इसकी क्या खास बातें हैं, इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। एनपीएस में दो प्राइमरी अकाउंट्स होते हैं, पहला टीयर वन और दूसरा टीयर टू। टीयर वन एक पेंशन अकाउंट है जबकि टीयर टू एक स्वैच्छिक सेविंग्स अकाउंट है। PFRDA इस स्कीम का रेगुलेटर है। कुछ समय पहले टाटा पेंशन मैनेजमेंट के CEO कुरियन जोश ने लंबी अवधि के रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से एनपीएस के फायदे के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि एनपीएस में सब्सक्राइबर्स को लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, सब्सक्राइबर्स का कंट्रीब्यूशन समय के साथ बढ़ता है और लंबी अवधि में यह शानदार रिटर्न देता है। जोश ने इसे एक उदाहरण के जरिए बताया था। उन्होंने कहा कि मान लीजिए 30 साल का एक व्यक्ति हर महीने 50,000 रुपए का निवेश एनपीएस में करता है। बैलेंस्ड एलोकेशन के तहत उसका 50% पैसा शेयर और 50% पैसा सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में जाता है। अगर इस कॉन्ट्रीब्यूशन में सालाना 6% वृद्धि मान ली जाए और इन्वेस्टमेंट पर 10% रिटर्न मान लिया जाए तो इन्वेस्टमेंट के 60 साल की उम्र तक होने पर करीब 1.85 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाता है। अगर 100% एनुइटी को सेलेक्ट किया जाए तो व्यक्ति को जीवन भर 1,05,252 रुपए का मंथली पेंशन मिलेगा। अगर सब्सक्राइबर्स का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी या पति को पेंशन जारी रहेगी, प्रिंसिपल का पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपए का पेंशन चाहता है तो इस हिसाब से उसके कैलकुलेशन को एडजस्ट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति 30 साल के होने पर हर महीने 2,500 रुपए का निवेश एनपीएस में करता है तो उसका कुल फंड बढ़कर 92.5 लाख रुपए होगा। इससे उसे हर महीने करीब 50,000 रुपए पेंशन मिलेगा। कोई व्यक्ति अपनी उम्र और हर महीने के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से एनपीएस में तैयार होने वाले अपने फंड का कैलकुलेशन कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल है और वह हर महीने 5,000 रुपए एनपीएस में निवेश शुरू करता है तो हर साल अपना सालाना कंट्रीब्यूशन 20% बढ़ाता है तो उसका कुल फंड बढ़कर करीब 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। 6.5% एन्युइटी रेट से उसे हर महीने करीब 1,13,730 रुपए की पेंशन मिलेगी।